हाय गाइस, बजट से पहले मार्केट का हालचाल। यस गाइस, मार्केट का हालचाल भी बताऊंगा, साथ में टुमारो यानी कि मंडे के दिन निफ्टी यानी बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग का पॉइंट भी बताऊंगा। बट गाइस, एक चीज़ सबसे पहले बताना चाहता हूँ। गाइस, आप लोग बहुत वीडियो देखते होंगे, ओके, बहुत वीडियो देखते होंगे, बहुत लोगों का वीडियो देखते होंगे, बट आपको ना वीडियो बोलने वाले बोल के चले जाते हैं, बट आपको वो जगह समझ में नहीं आता है जहाँ से आपको एक दिन में सफिशियंट प्रॉफिट मिले। यस गाइस, आज का वीडियो का सबसे की पॉइंट होगा कि वो जगह हमें कैसे मिलेगा जहां पे मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करके, खास करके मैं निफ्टी का एक मेन प्रिंसिपल चीज बताऊंगा कि जिस चीज को थोड़ा सा आप अपना ट्रेडिंग में इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। चलिए गाइस, देखते हैं। ये मेरा सिंपल एक सेटअप है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। मैं इस सेटअप को फिलहाल हटा देता हूं और मैं सिंपली देखने का कोशिश करता हूं कि मार्केट क्या व्यू है, और उसके बीच में मैं बताऊंगा कल की मार्केट में या फिर आगे कभी भी मार्केट में आपको दो चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस डालेंगे। जो भी सेटअप है आपके पास, जो भी थिंग्स है वो ठीक है, बट ये दो चीज थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे आपके साथ तो मुझे लगता है कि आपका एक्यूरेसी लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। बट ये चीज सुनने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको ये जो दो पॉइंट मैं बता के जा रहा हूं, ये दो पॉइंट कैसे लग रहा है। ओके, चलो तो चलते हैं गाइस। सबसे पहले आपका नजर में ना, आप थोड़ा सा थोड़ी बहुत चार्ट पैटर्न देखते होंगे तो आपको बहुत क्लियरली एक चीज यहाँ पे समझ में आ रहा होगा मार्केट का। दूसरा चीज ग्लोबल मार्केट का जो मैं 360 डिग्री एनालिसिस करता हूँ तो वहां से मुझे बहुत क्लियर कोई पिक्चर नहीं है, यानी कि कल का मार्केट जो ओपनिंग होने जा रहा है वो कैसे ओपन होगा, तो वो तो हमें मिल ही जाएगा कैसे ओपन होगा, वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें एग्जिस निफ्टी फिलहाल नॉर्मल ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इसका बीच में सबसे ज्यादा जो फोकस हमारा चार्ट ओपन करते ही मेरा नजर पे आ रहा है वो क्या आ रहा है। ओके, समझ में आ रहा है सर क्या है, व्हाट इज दिस। देखो आप लोग ना इन सब छोटी छोटी चीजों को पकड़ने का कोशिश करो, जो क्या है ये। ओके, तो ये एक सिनारिस बन सकता है और ये होगा आपको की पॉइंट, ये होगा आपको की पॉइंट। ओके, देखो गाइस, आप लोग ना वीडियो बहुत देखते हो बट आपको ना वो सही एक चीज क्या बोलते हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का खास बात कोई नहीं बताता है, तुम्हें बताऊंगा आज। ओके, चलो थोड़ी सी आप ध्यान से देखने की कोशिश करो। तो एक तो ये सिनारीज आपको मिल गया ना। चलो कल का ओपनिंग हमें नहीं पता, क्या कल का ओपनिंग हमें नहीं पता क्या होगा, ठीक है, ये व्यू लेकर चलते हैं। ओके चलो, ये व्यू लेकर चलते हैं। क्या मैं आपको जो सर्कल ट्रेडर्स टेलीग्राम चैनल है इसमें मैं बता चुका हूँ कि कल का लेवल क्या रहेगा मार्केट का। देखो सर्कल ट्रेडर्स का ये टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे हम बता चुका हूँ कि 21,350, देखो इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर स्टेबल होगा तो यहाँ से एक बड़ा फर्स्ट अप व्यू जाएगा यहाँ तक, ठीक है, नियर अबाउट 21,500, ठीक है, तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी। देखो आप सबसे पहला चीज समझने की कोशिश करो एक चीज, ओके, आप लोग ऐसे अंधाधुंध वीडियो देखते जाते हो बट आपको वो जगह कोई नहीं बताता है। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका बीच में कोई ओपन हुआ मार्केट, अब ओपन होकर दो ही पॉइंट रहेगा आपके सामने, ठीक है, दो पॉइंट रहेगा। एक तो मार्केट यहाँ पे ओपन हो सकता है, यहाँ पे ओपन हो सकता है, यहाँ पे मीन्स 21,458, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो सकता है, तो मेरा पास दो पॉइंट है, 21,352। ओके, दो पॉइंट है, ध्यान से देखिए सर, ठीक है, ध्यान से देखो सर। एक तो या तो इसको ऊपर मुझे स्टेबल होना होगा या फिर यहीं पे कोई ओपन होके ये सपोर्ट लेने आएगा। ध्यान से देखो, खुद से ट्रेड करो, दूसरों को कॉपी मत करो, फॉलो मत करो, खुद से ट्रेड करके अगर 2 रुपया भी कमाओगे ना, बहुत 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 बड़ी संतुष्टि मिलेगा आपको। सही बोल रहा हूँ कि नहीं सर? अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो प्लीज एक लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब करे ना करे ये आपका मर्जी है, बट अगर मेरी बात सही लगता है तो एक लाइक बटन दबा देना। ओके, तो ये मैं पॉइंट बता के जा रहा हूं आपको, जो कल का ट्रेडिंग में ये दो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और लाइफ टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो हो गया, तो यहां तो मुझे इस लेवल को ब्रेकआउट होना होगा, राइट, एक तो ये लेवल आ रहा है और एक प्रीवियस डे का हाई, तो इसके ऊपर अगर स्टेबल करेगा ये हाई हमें परेशान करेगा थोड़ा सा, ठीक है, ये ध्यान देना। इसके साथ अगर आपको ऑप्शन चेन कंफर्मेशन लेता आता होगा ना तो वो आपको बताएगा कि क्या इसको ब्रेक करेगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो इस टेलीग्राम चैनल पे मैं हूं, मैं आपको बता दूंगा कि मार्केट किस तरफ व्यू जा रहा है, ठीक है। तो बाइंग पॉइंट एंट्री पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि
कहीं पे कोई ओपन होकर अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है और यहां से मार्केट बाउंस बैक होता है तो ये मेरा पॉइंट रहेगा एंट्री पॉइंट निफ्टी के लिए, और कुछ मत सोचो। अच्छा, पुट साइड जाए या कॉल साइड जाए वो भी क्लियर कर दिया कि यहां से मैं कॉल साइड की एंट्री ढूंढूंगा। ओके, अगर इससे नीचे स्टेबल हो गया, अगर 21,350 के नीचे स्टेबल हो गया मार्केट, तो ही मैं पी साइड जाऊंगा। दैट्स ऑल। बड़ी मोमेंटम, बजट से पहले क्या बड़ी मोमेंटम आएगा? देखो, अगर 21,500 के ऊपर मार्केट स्टेबल हो गया ना, तो यहां से मैं एक बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट करूंगा। समझ रहे हो आप? थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो प्लीज कमेंट्स में बताना, वेल डन, मैं समझ पा रहा हूं जी क्या मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो कल के लिए निफ्टी का की पॉइंट क्या क्या रहेगा ये मैं बता दिया, कहां कहां पर मैं एंट्री लेने की कोशिश करूंगा मैं बता दिया। यानी कि आप खुद अगर ट्रेड करोगे तो आप भी सेम यही चीज को फॉलो करोगे कि यहां यहां पे एंट्री लेने से मुझे सही एंट्री पॉइंट मिलेगा। ठीक है, चलो, तो 501 क्रिटिकल लेवल है, ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी। और इसके बाद ही मैं वो चीज बताऊंगा कि लाइफ टाइम आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन सी दो चाबी का इस्तेमाल करोगे मार्केट व्यू पाने के लिए। ओके, वो मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं। देखो, ये हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। ओके, और इस बैंक निफ्टी के चार्ट में देखो, ये जो मूविंग एवरेज है, प्राइस एक्शन है, दोनों को एक साथ हमें फॉलो करना होता है। जो हमारा अपकमिंग क्लासेस होगा ना, तो जो भी हमारा क्लासेस होता है उसमें ये दो चीज का कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड करते हैं। कोई एक चीज नहीं, सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं, सिर्फ मूविंग एवरेज नहीं, ना ही सिर्फ इंडिकेटर। तो आप अगर खुद से सीखना चाहते हो ऑल ओवर इंडिया में, मैं चैलेंज लेके बोलता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई है ऐसे कि सर्कल ट्रेडर्स के टक्कर लेता है, सिर्फ देखो हमारा व्यूअर्स इतना ज़्यादा नहीं है या फिर आप लोग दूसरे से शेयर नहीं करते हो जिसके वजह से सर्कल ट्रेडर्स इतना पीछे रह गया है अभी तक। चलो भाई, आप लोगों का मेहरबानी है कि आप लोग चाहेंगे तो सर्कल ट्रेडर्स ऊपर भी आएगा। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, पहले खुद से सीखो फिर ट्रेड करो। और सिखाने के लिए सर्कल ट्रेडर्स है आपके साथ। आप अगर क्लासेस का सीट बुक करोगे 3000 से, तो आपको डेली 1 निफ्टी का ट्रेड दिया जाता है, जिस ट्रेड से आप प्रॉफिट कर करके आप क्लासेस का फीस अर्निंग करो, क्लास करो, खुद से ट्रेड करो। ये सरकार ट्रेड का रीति है। तो कोई इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं है कि आपको सीट बुकिंग करने के बाद आपको ट्रेड देगा, प्रॉफिट कराएगा। ठीक है, तो देखो बातों बातों में ना बैंक निफ्टी का एक लेवल मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको ड्रॉ भी कर चुका हूं, आपने देख चुके होंगे। देखो इस वक्त ग्लोबल मार्केट से कोई क्लियरिटी सिंबल नहीं है। ठीक है, कोई क्लियरिटी नहीं है ग्लोबल मार्केट से, बट इंडियन मार्केट का जो सेक्टर एनालिसिस मैं किया हूँ तो वहाँ से मुझे कुछ हद तक लग रहा है कि मार्केट हल्का पॉजिटिवनेस बन सकता है, क्योंकि बजट एक बड़ी चीज़ है यार। ये जो बजट है ये हमारा मोदी जी के लिए ना बहुत एक फोकस डालने वाला बजट होगा। मैं मेरा हर स्टूडेंट को भी बताया हूँ, क्लासेस में भी बताया हूँ। देखो मैं बातों बातों में यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया हूँ, तो मैं ये अगर ट्रेन लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ठीक है, दो ट्रेन लाइन ड्रॉ किया हूँ। कैसे ड्रॉ करते हैं, चलो एक मिनट, मैं सुन लिया कुछ फैन बोल रहे सर ट्रेन लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं कई बार वीडियो में बताया हूँ सर। देखो, दो स्विंग हाई पॉइंट को हम ड्रॉ कर दिए और एक हॉरिजेंटल पॉइंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि बैंक निफ्टी का मुझे इस लेवल से ऊपर स्टेबल होना होगा कल। ठीक है, लेवल कौन सी आ रहा है, 45,200 इसके ऊपर। तो फिर ये लास्ट, ये जो जब भी डाउनफॉल होता है ना, तब ये से जो सिनेरियोज बनता है, ये हर लेवल छोटी सी एक रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, तो 45,500 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे कि आपको निफ्टी में बताया था 21,500। तो दोनों के चीज को समझ लेना, बैंक निफ्टी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं निफ्टी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और नेक्स्ट बैंक निफ्टी का मैं वो लेवल नहीं निकाला, पी लेवल एंड टारगेट एसएल लेवल। तो इसके ऊपर अगर यही सिनेरियोस बनेगा मार्केट में, देखो ये सिनेरियोस बनेगा, तो इसके बाद मेरा बैंक निफ्टी में इस तरीके से एक पॉजिटिव व्यू रहेगा। ठीक है, देखो इससे ज़्यादा समझाने का मुझे नहीं लगता है कि आपको जरूरत होगा, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे समझदार हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता है सर। ठीक है, 44,500, देखो 44,500 इससे नीचे अगर मार्केट जाएगा, या फर्स्ट ऑफ ऑल 44,000 देखो फंसाने वाला जोन, 44,800 और 44,500 बैंक निफ्टी इसके बीच में फंसेगा, तो फंसने वाला जोन है, नो ट्रेडिंग जोन है। और ऐसे सिनेरियोज बनेगा तो बाय एंड डिप का फॉर्मूला बनाकर चलना चाहिए। देखो अभी वो जगह जरूरी है जो मैं मॉर्निंग से, मतलब वीडियो का मॉर्निंग से बता रहा था, कि आपका ट्रेडिंग सेशन में ना दो चीज इंप्लीमेंट करो। ठीक है, क्या चीज ना, दो टाइम। कौन कौन से टाइम सर, देखो ध्यान से देखो, एक होगा 9:15, चाहे निफ्टी ट्रेडर्स हो आप, चाहे बैंक निफ्टी ट्रेडर्स हो।
ठीक है, ये होगा 9:15, यानी कि 9:15 से लेकर 9:20 का जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम के किधर जा रहा है मार्केट, अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। क्लियर, एक व्यू आपको हो गया सर, सी साइड जाना है या पी साइड जाना। आप हमेशा पूछते रहते हो लोगों से, तो मैं बता देता हूं। ये दूसरा चीज 10 बजकर ये जो कैंडल है, ठीक है, ये बहुत बड़ी कैंडल पिछले दिन बना, ये जो कैंडल है, छोटी कैंडल ये है आपको 10:10। अब निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी देख लेना इस कैंडल को। सेकंड मेरा व्यू आ गया, सुबह से एक ट्रेड मेरा हो गया, सेकंड ट्रेड हो गया ये। अगर इससे नीचे रह गया है तो मैं पी साइड, इससे ऊपर रह गया है तो मैं सी साइड। अगर कोई रेंज बना दिया है तो उस रेंज को थोड़ा सा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का कोशिश करेंगे। देखो ये दो टाइम जोन आपका ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा शामिल कर लो। समझ में आया सर? क्या बताया? सुबह का 5 मिनट और 10:10 से 10:15 इस टाइम जोन के बाद, और 9:15 से 9:20 ये दो टाइम फ्रेम के बाद मार्केट किधर रोक रहे ले ले रहा है। इसके बाद जिधर रोक लेगा मेरा व्यू उधर रहेगा। बट नेक्स्ट आता है सर ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में ट्रेड करो सर? आपको एटीएम मनी निकलना आता होगा ना, आप हमेशा एटीएम मनी को पकड़ के चलो, सब भूल जाओ। एटीएम मनी का फॉर्मूला क्या है निफ्टी के लिए? क्या फॉर्मूला है? स्पॉट प्राइस प्राइस प्लस माइनस 25, दैट इज एटीएम मनी का फॉर्मूला। ठीक है, तो स्पॉट प्राइस से 20 पॉइंट प्लस माइनस के अंदर जो भी स्ट्राइक प्राइस आ रहा है, ये है आपको स्ट्राइक प्राइस रहेगा, यानी कि एटीएम प्राइस वही है। तो आज का वीडियो में शायद कुछ अलग लगा होगा आपको, अगर अलग लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अभी तक नहीं किए हो। बट मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।